अभी रिसेंटली हमारे यहाँ काफ़ी रेन्स हुई हैं, फ्लड्स आई हैं, जिनकी वजह से वाटर के अंदर काफ़ी कंटेमिनेशन होने से वाटर बॉर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ा। इनसे पेशेंट को डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर का काफ़ी इंसिडेंस बढ़ा है। उससे बचने के लिए हमें सेफ वाटर यूज़ करना, जो कि बॉयल्ड हो, जो हमें फिल्टर्ड हो, उसे यूज़ करें ताकि हमें इसके इन्फेक्शन से बच सकें। और इन्फेक्शन बचने के लिए जो हमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो कट फ्रूट्स ना यूज़ करें उनको, ताकि हमें उनसे बीमारी ना फैले। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमें जो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके हिसाब से ही दवाई लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ का इंसिडेंस कम होगा, अगर नहीं और जो होगा भी तो लेस सीरियस होगा।